नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अहिवारा विधानसभा स्थित नंदनी माइंस में निर्मित बायोडायवर्सिटी पार्क में किया वृक्षारोपण। ऑनलाइन मार्केटिंग और विदेशी कंपनियों का विरोध करते हुए व्यापारी संगठन एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया प्रदर्शन। बालोद जिले के गांव में हाथियों ने किया हमला, हाथियों को देखने की उत्सुकता में एक ग्रामीण की गई जान। सोशल मीडिया पर धर्मांतरण को जायज बताने पर चल रही बयानबाजी, भाजपा संगठन ने प्रदर्शन कर किया FIR की मांग। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अहिवारा विधानसभा में स्थित नंदनी माइंस में 2100 एकड़ में बने एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित बायोडायवर्सिटी पार्क में वृक्षारोपण किया और 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले को 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री आज जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में स्थित नंदनी माइंस में एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित बायोडायवर्सिटी पार्क के वन जल लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। जिले के नंदनी माइंस में एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है, जहां BSP द्वारा लाइमस्टोन निकाले जाने के बाद खाली पड़े माइंस व वनों को लगभग 4 करोड़ की लागत विकसित कर एक बड़े मानव निर्मित वन का स्वरूप दिया जा रहा है, जहां उन्होंने बानबरद में निर्मित शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय और सर्किट हाउस का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की बेहतरीन अधोसंरचना हमने तैयार की है, जहां जरूरत है वहां पर नए महाविद्यालय आरम्भ किए हैं और यहाँ सुविधाओं में भी काफ़ी इजाफा किया है। रोजगार के द्वार भी सरकार ने खोले हैं। अभी विद्युत कंपनी असिस्टेंट प्रोफेसर, पटवारी, पुलिस आदि की नियुक्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोधन न्याय योजना आदि योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त आय का द्वार खुला है। 1985 से बने इस महाविद्यालय के लिए भवन 4,83,00,000 रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। एशिया के मानव निर्मित सबसे बड़े जंगल की शुरुआत आज की गई, जिसमें वृक्षारोपण किया गया और साथ ही यहाँ कॉलेज बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया। बहुत सारे निर्माण कार्यों के भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। बड़ी सौगात हमारा विधानसभा को मिला है। तो मैं हमारा विधानसभा के सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। देखिए, ये तो पानी अमृत के रूप में आया है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत चिंतित थे, परेशान थे। ऐसे समय में बारिश हुई है तो फसल हमारा बचा है, जो खराब होने की स्थिति में थी हमारी फसल, अब वो सुरक्षित हो गया है। बल्कि हमारे बांध जो खाली हो गए थे वो भर गए हैं और भर ही रहा है। कुछ जगह अतिवृष्टि हुई है जिसमें निश्चित रूप से कुछ लोग फंस गए थे। उसको निकालने का काम लगातार जिला प्रशासन और पूरे पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। देखिए, इसमें इस जंगल में जहाँ फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे वहीं वनौषधि भी लगाया जाएगा और उसके उससे जो संग्रहण किया जाएगा उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही पर्यटन के हिसाब से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दुर्ग राय भिलाई के बीच में एक बड़ा जंगल विकसित होगा जिसमें पक्षियों के लिए भी और जो हमारे वन्य प्राणी हैं उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि हमारे जो यहाँ के परिवार के लोग भी आके भ्रमण कर सकें। इस अवसर पर PHE मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अहिवारा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाया। नंदनी जामुल रोड का भूमि पूजन हुआ, यहाँ 15 अक्टूबर के बाद से काम शुरू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सबको बुनियादी सुविधाएं देने के लिए सरकार संकल्पित है। CM ने कहा कि राहुल गांधी जी को समय नहीं मिला, जल्द ही वे 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ऑनलाइन मार्केटिंग और विदेशी कंपनियों की घुसपैठ के विरोध में व्यापारिक संगठन कैट तथा चैंबर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से हल्ला बोल प्रदर्शन का अभियान शुरू कर दिया है। ऑनलाइन व्यापार से रिटेल व्यापारियों के कारोबार पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के विरोध में
व्यापारिक संगठन कैट तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से हल्ला बोल प्रदर्शन प्रारंभ किया है। फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया के आह्वान पर यह प्रदर्शन 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। संगठन द्वारा ई कॉमर्स पॉलिसी के तहत कॉम्पिटिशन एक्ट को लागू किए जाने की मांग की जा रही है। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन खरीदी में सस्ता सामान मिलने के कारण रिटेलर के समक्ष दुकानों को बंद करने की नौबत आ गई है। इस मुद्दे को लेकर आज कैट तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। दुर्ग कैट अध्यक्ष मोहम्मद अली ईरानी ने बताया कि ई कॉमर्स पॉलिसी के तहत कंपटीशन एक्ट की जांच करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिससे संस्था से जुड़े 8000 करोड़ से अधिक व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग में सस्ता सामान मिलने के कारण रिटेलर दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने सरकार से कंपटीशन एक्ट की जांच कर ई कॉमर्स पॉलिसी को जल्द लागू करने की मांग की है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा ने ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामान विदेशी कंपनियां ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से देश के कारोबार पर कब्जा जमा रही है, जिसके कारण देश के रिटेलर व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनका व्यापार ठप हो गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तहत आज ऑल ओवर इंडिया में 6000 करोड़ व्यापारियों ने एक साथ एक सूत्र में आके ये जो अमेजोन फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स कंपनी के तहत जो व्यापार व्यवसाय को चौपट कर रहा है, छोटे छोटे व्यापारियों को रिटेलर जो काउंटर लगा के बैठे हैं, उससे भारत देश का पूरा व्यापार चौपट हो रहा है। और हम इस पूरे ई कॉमर्स कंपनी को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जैसे भारत में आई थी, वैसा इन्होंने भारत में प्रवेश किया है। इसको निकालने का संकल्प हम लोगों ने लिया है और इसके तहत ही हम पूरे आंदोलन में आज शामिल हुए हैं। ई कॉमर्स पॉलिसीज़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने में कैट ने केस लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कॉम्पिटिशन एक्ट को कि इसकी जाँच हो, लेकिन इस जाँच को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। जो कि व्यापारी जितने भी भारत के अंदर में 8 करोड़ व्यापारी जुड़े हुए हैं, ये ऑनलाइन के अंदर में सस्ता बेचने से धीरे धीरे पूरा जितने भी रिटेलर है वो दुकान बंद करने के कगार पे आ जाएंगे धीरे धीरे। तो इसीलिए कैट पूरे 8 करोड़ व्यापारियों के हित में लड़ाई लड़ रही है, वो सरकार से भी बात कर रही है, कोर्ट में भी केस लगा करके कॉम्पिटिशन एक्ट के मार्फत चाहती है कि ई कॉमर्स पॉलिसी आए और व्यापारी को और ऑनलाइन दोनों के अंदर में ग्राहक को एक ही रेट में माल मिले। वो लोग सस्ता माल बेच करके पूरा व्यापार ख़त्म कर देंगे बाजार का, इसलिए ये पूरे इंडिया के अंदर में हल्ला बोल प्रोग्राम 1 महीने का है, 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक चलेगा ये। देश में ई कॉमर्स कंपनियों को बाहर निकालने के संकल्प के साथ यह आंदोलन प्रारंभ किया है और विदेशी ऑनलाइन कंपनियों पर रोक लगाए जाने के बाद ही आंदोलन पर विराम लगेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बालोद जिले में हाथियों को देखने की उत्सुकता व लापरवाही के कारण एक ग्रामीण की जान चली गई। हाथियों के हमले से बीते 3 माह में दूसरी मौत हुई है। दरअसल बीते 5 दिनों से 22 से अधिक हाथियों का बालोद जिले के दल्ली राजरा वन परिक्षेत्र ग्राम अड़जाल खल्लारी जमही गुजरा जंगल क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, जिन्हें देखने की उत्सुकता में ग्राम कुर्रुभाट सहित आसपास के ग्रामीण काफी संख्या में ग्राम अड़जाल से लगे जंगल पहुंच गए। इसी बीच हाथियों का दल ग्रामीणों को देख आक्रोशित हो उठे और उन्हें दौड़ाने लगे, जिससे बचकर बाकी ग्रामीण भागने में तो सफल रहे, लेकिन कुरुभाट निवासी संतोष भू आर्य लगभग 48 वर्षीय नहीं भाग पाए। हाथियों ने उन्हें पटक पटक कर अधमरा कर दिया, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। वहीं वन विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम मौके पर पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम भेज दिया। एक व्यक्ति की हाथी के उसे घायल करने से मौत हुई है। यहाँ पे हाथी पिछले 5 दिन से यहाँ रुके हुए थे जंगल के आसपास। दूसरे गांव के लोग बहुत ज़्यादा फटाखा वगैरह फोड़ रहे थे, लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही थी कि फटाखा मत फोड़े, जंगल के अंदर मत जाएँ, लेकिन आसपास के गांव के लोग भी यहाँ जंगल के अंदर हाथी देखने के नाम से घुस रहे थे,
लगातार हमारी गश्त चल रही थी, लगातार समझाइश दी जा रही थी। यहाँ के सरपंच और जाल के जो है उन्होंने भी अपने गांव के कंट्रोल करके रखा हुआ था, उस गांव के कोई आदमी नहीं आए थे। ये व्यक्ति कुर्रू भाट से यहाँ हाथी देखने के लिए आया हुआ था और इसी की कल शाम को हाथी के घायल करने से मौत हुई है। दल्ली राजरा वन परिक्षेत्र रेंजर राजेश नंदुलकर ने बताया कि जिस जंगल क्षेत्र में हाथी विचरण कर रहे थे, आसपास के ग्रामीण उन्हीं जंगल में पटाखा फोड़ रहे थे। विभाग द्वारा लोगों को जंगल में ना जाने व पटाखा नहीं फोड़ने लगातार समझाइश दिया था, बावजूद इसके कुछ लोग जंगल पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सोशल मीडिया पर धर्मांतरण को जायज बताने वालों के खिलाफ भाजपा संगठनों ने प्रदर्शन कर FIR की मांग की है। सोशल मीडिया यूट्यूब पर बयानबाजी कर धर्मांतरण को जायज बताने वालों के खिलाफ भाजपा संगठनों द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। भाजपा भाजयुमो महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से विरोध रैली निकालकर विभिन्न पुलिस थानों में ज्ञापन सौंपा और संबंधित व्यक्तियों के लिए FIR दर्ज किए जाने की मांग की। भाजपा के सिकोला भाटा पटरीपार मंडल अध्यक्ष लोकेश बघेल के नेतृत्व में मोहन नगर थाना व चंडी शीतला मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्राकर के नेतृत्व में दुर्ग कोतवाली में ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस को सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि YouTube पर पिछले कुछ दिनों से एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें धर्मांतरण को संवैधानिक बताया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि हम धर्मांतरण करेंगे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 हमें इसकी इजाज़त देता है। यदि हमें धर्मांतरण करने से रोका जाता है या बाधा उत्पन्न की जाती है तो ऐसे संविधान को जला दिया जाना चाहिए। साथ ही धमकी दी गई है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो प्रत्येक दिन क्रिश्चियन समाज का एक व्यक्ति आत्मदाह करेगा। ये YouTube में जो धर्मांतरण के विषय में आया था उसके संबंध में हमने प्रत्येक थाने में एक ज्ञापन दिया है। उसके संबंध में पूरा युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा सभी शामिल हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं इस टाइप का धर्मांतरण शासकीयकरण ना हो, है ना। लोगों को धर्मांतरण करके इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग पूर्ण रूप से। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में जितने भी थाना हैं और जितने भी चौकी है उसमें भारतीय जनता पार्टी की लोकल बॉडी को FIR करने के लिए कहा गया है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी मंडल की तरफ से यहां पर लिखित शिकायत करने आए हैं पन्नालाल और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ जो धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसाते हुए सरकार को चैलेंज कर रहा है कि धर्मांतरण होना चाहिए। YouTube पर जारी इस बयानबाजी को भाजपा संगठनों ने भारतीय संविधान का अपमान बताया है, साथ ही धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को खराब करने वाला निरूपित किया है। भाजपा ने बयानबाजी करने वाले छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम अध्यक्ष अरुण पन्ना लाल तथा गुरुचरण सिंह चड्डा के खिलाफ धारा 153 ख 295 के तहत अपराध बद्धिबद्ध किए जाने की मांग की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमबिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बार नवापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones,
Your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items, Barat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिले में पहली बार भिलाई के हाईटेक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में स्पुतनिक वैक्सीन उपलब्ध है, जिसे लगाने के लिए दूर दराज से लोग हाईटेक हॉस्पिटल आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है। डॉक्टरों के अनुसार स्पुतनिक वैक्सीन को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए बेहतर कारगर माना गया है। इस वैक्सीन की ज़रूरत को देखते हुए दुर्ग जिले में पहली बार भिलाई के नेहरू नगर स्थित हाईटेक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में स्पुतनिक वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। स्पुतनिक हमारे यहाँ 24 अगस्त से चालू हुआ लगना, जो काफ़ी प्रयास और काफ़ी जोर-जब के बाद हमारे अस्पताल में आया है। और दुर्ग जिला में सिर्फ हमारा ही अस्पताल है हाईटेक जो कि इस वैक्सीन को ला पाया, और हमको कुल मिला के 1200 डोजेस मिले स्पुतनिक के, जिसमें से लगभग खत्म होने की स्थिति में 200 या 300 वैक्सीन हमारे पास और बचे हैं, और जल्द से जल्द इसको लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोविड के लिए लगाए जाने वाले स्पुतनिक वैक्सीन के अब कुछ ही डोज शेष बचे हैं। हाईटेक में 24 अगस्त से यह स्पुतनिक वैक्सीन लगाया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में स्पुतनिक केवल हाईटेक में ही उपलब्ध है। रायपुर से भी स्पुतनिक वैक्सीन लगवाने काफ़ी संख्या में लोग हाईटेक अस्पताल में आए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन तुषार मारकंडे के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के सेक्टर 7 बस्ती में बेहद गंदगी पसरी हुई है, जिसे आसपास के रहवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस बस्ती की ओर नहीं जा रहा है। भिलाई टाउनशिप में यह सेक्टर 7 स्थित बस्ती हमेशा से बरसात के दिनों में चिंता का विषय बना रहता है। इस बस्ती में ना तो सड़कें हैं और ना ही नालियां, जिससे यहां के पशुपालकों द्वारा गोधन रूपी गोबर को कच्ची नालियों में बहा दिया जाता है, जिससे नालियाँ पूरी तरह भर जाती हैं और गंदे पानी का जमावड़ा क्षेत्र में बना रहता है। ज़्यादा पानी का बहाव होने से गंदा पानी गैरेज रोड पर जमा हो जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैली रहती है, और ऐसी स्थिति में यहां से आवागमन करने वाले राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोड पर पानी एकत्र होने से रोड भी क्षतिग्रस्त होती जा रही है। इन सभी समस्याओं के अलावा इस बस्ती में कई प्रकार की बीमारियाँ भी पनपने का खतरा बना रहता है, परंतु अब तक इस ओर ना तो बीएसपी प्रबंधन ने ध्यान दिया और ना ही नगर निगम भिलाई प्रशासन ने, जिससे यहां के लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। शासन प्रशासन को चाहिए कि इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इसका निराकरण जल्द से जल्द करें। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। बेमित्रा जिले के नवागढ़ क्षेत्र के निकट खेड़ा गांव में तेज बारिश की वजह से बीती रात कच्चा मकान गिरने से दादी और नातिन की मौत हो गई। आज सुबह जब गांव वालों को दर्दनाक घटना की जानकारी मिली तो पूरे गांव में मातम पसर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मारो चौकी पुलिस
एवं राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। नांदघाट थाना के मारो चौकी की पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नातिन और दादी कच्चे घर में सोए थे। रात भर बारिश हुई, देर रात अचानक कच्चा मकान गिर गया जिसमें दबने से दोनों की मौत हो गई। मृतिका का नाम धनैया बाई यादव उम्र 80 वर्ष एवं ईश्वरी यादव 20 वर्ष बताया जा रहा है। घटना ग्राम खेड़ा का है। रात कल दिनांक 15/9/2020 को 11 बजे पानी गिरने से कच्ची मकान में सूचक तीर्थ यादव की सूचना पर मग इंटीमेशन कायम किया गया था। उसकी माँ और उसकी लड़की कच्ची मकान में सोई थी जो पानी गिरने से दब गई थी। दोनों मौत हो गई है। इस पंचनामा कार्रवाई के लिए हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए CSC नवागढ़ भेजा जा रहा है। क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से दीवार ढहने से जिले में इस वर्ष का यह दूसरा मामला है। इससे पहले साजा क्षेत्र के चोर भट्टी गाँव में दीवार ढहने से दो बच्चे की मौत की घटना सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।